प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की खबरें चल रही है। जी हां, आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि पीएम मोदी लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के सूत्रों के मुताबिक ये कोरी अफवाह है। जी हां, बता दें कि मीडिया सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि इस तरह के ऐलान की कोई संभावना नहीं है। कोरोना के कहर के चलते दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मार्च को रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी क्या कुछ ऐसा खास ऐलान कर सकते हैं, क्या संदेश दे सकते हैं। दरअसल इस वक्त देश कोरोना के स्टेज 2 से गुजर रहा है। पहला स्टेज वो होता है जहां से वायरस का संक्रमण शुरू होता है, दूसरे स्टेज में वहां से संक्रमित व्यक्ति अपने घर या देश में आता है, तीसरे स्टेज में स्थानीय स्तर पर एक से दूसरे में इसका प्रसार होता है और चौथे स्टेज में यह महामारी का रूप अख्तियार कर लेता है। इटली और चीन जैसे मुल्क चौथे स्टेज में है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत अभी दूसरे स्टेज में है। इस लिहाज से सोशल मीडिया पर काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको स्टेज 3 में जाने से रोकने के लिए पीएम मोदी कुछ बड़े ऐलान की घोषणा कर सकते हैं। उस स्थिति में कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तरी इटली फ्रांस की तरह पूरी तरह से गतिविधियों को धीमा करते हुए सबको घरों में रहने की सलाह दी जाए, ऑफिस के कामकाज को पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन इस तरह के अफवाहों पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। SPN 9 न्यूज़ से पुष्पा की रिपोर्ट।